हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, अपना लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं फ़िश कड़ी बनाने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए रेसिपी देखते हैं। आज मैं सिलबट्टे पे मसाला बनाने जा रही हूँ। सरसों, धनिया, जीरा, सिंपल मसाला है, ले लेंगे। लहसुन और मिर्चा देखिए ले लिए हैं, और एक प्याज काट के भी हमने रख लिया है। इसको अच्छे से पीस लेंगे। देखिए हमने मसाला पीस लिया है, हम इसे उठा लेंगे कटोरी में। सिलबट्टे का मसाला बहुत अच्छा होता है। वैसे भी मैं सिलबट्टे पे इसलिए पीस रही हूँ क्योंकि मेरे मिक्सर का छोटा वाला डिब्बा ख़राब हो गया, इसलिए मैं सिलबट्टे पे मसाला बनाई हूँ। देखिए मैंने फिश में अच्छे से साफ करके धो लिया था पहले, उसके बाद हल्दी मिला दी है इसमें। कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए हैं। अब इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हम फिश फ्राई कर लेंगे। देखिए मेरा ऑयल गर्म हो गया है। इसमें मेथी दाना डाल देंगे, फिश फ्राई करके हम निकाल लिए हैं। थोड़ा सा हींग डाल देंगे, तेज पत्ता डाल देंगे। एक टमाटर डाल लिए हैं, टमाटर को अच्छे से भून लेंगे। उसमें नमक डाल देंगे। जब टमाटर थोड़ा हल्का गल जाए तब इसमें मसाला डाल देंगे हम, जो सिलबट्टे पे पीस करके तैयार करके रखे हैं। देखिए हमारा मसाला भी पड़ गया फ्रेंड्स। जब टमाटर भूनते हैं तेल में, उसी समय अगर नमक डाल दें तो टमाटर अच्छे से गल जाता है, खाने में अच्छा लगता है। देखिए मसाला भून गया है, तेल छोड़ दिया है मेरा मसाला अच्छे से। थोड़ा सा मछली का जो बड़ा वाला पीस है इसको अच्छे से भून लेंगे मसाले में। देखिए अच्छे से भून गया है, मसाले का फ्लेवर इसके अंदर चला गया है, इसलिए ढक के अच्छे से भून लिए हैं। अब पानी डाल दिए हैं थोड़ा सा, देखिए उबाल आ गया है। इसमें सारा मछली डाल दिए हैं, एक कच्चा आम डाल दिए हैं इसमें। अब इसे ढक करके हम 10-15 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। अब देखिए उबाल आ गया है मछली में, अच्छे से पक गया है मछली, कलर भी अच्छा दिख रहा है। गैस बंद कर दिए हम, इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे, इससे फ्लेवर अच्छा हो जाता है। मछली बनकर तैयार है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।